एक इसके सर दोस्तों मैं कश्मीर आप देख रहे हो उसमें सेल्फ हियरिंग गाइस, बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई थी ना आप सबके दिमाग में कि सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल में होने वाला क्या है। कई लोगों से मैंने कॉल पे समझाया, कई लोगों को अलग अलग व्हाट्सएप मैसेज वगैरह पे किया, बट अभी भी कई लोग कंफ्यूज थे कि एग्जैक्टली सर हम लोग क्या करने वाले हैं, किस तरीके से सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल हमारे करियर में हेल्प कर सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हो, समझते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल किस डोमेन में आपको एक्सपर्ट बनाएगा और उसमें मेरा क्या रोल रहेगा। तो मैं वैसे तो अभी आपको शॉर्ट में अगर बताऊं तो मैं आपका मेंटर बन रहा हूं, मैं आपको गाइड करूंगा किस तरह से आप जहां पे भी हो यहां से अपने करियर को बूस्ट कर सकते हो। वन टू वन गाइड करूंगा, मींस पर्सनली हमारा हर एक बच्चा बेहतर कैसे कर सकता है उसका पूर्ण प्रयास इसके अंदर मैं करने जा रहा हूं बहुत ही सच्चे दिल के साथ। इसलिए आपसे आशा करूंगा कि आप लोग सच्चे दिल से वीडियो को देख के नीचे कमेंट करके मेरे उत्साह का वर्धन जरूर करना, क्योंकि फर्स्ट टाइम सिविल इंजीनियरिंग में किसी ने यह इनिशिएटिव लिया है तो शायद इससे कुछ बेटर हो सकता है अगर आप लोग इसमें साथ आए, और बेटर होगा ही होगा क्योंकि इसका सबसे बड़ा पावर है कंसिस्टेंसी का, कि कंसिस्टेंसी के साथ इसको करना है। तो चलिए देखते हैं फटाफट क्या क्या सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल में हम लोग करने वाले हैं। पहली बात आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि दो डोमेन के लिए भी हम लोग सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल को स्टार्ट किए हैं। पहला डोमेन है BIM यानी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, जिसको भी अपना कैरियर BIM में बनाना है तो इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हो ही नहीं सकता है सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल। आई थिंक मुझे लगता है क्योंकि मैंने खुद डिजाइन किया है सबसे बेस्ट आपके सामने आएगा। और दूसरा डोमेन जो हमने चूज किया है वो है स्ट्रक्चर्स। ये दोनों क्यों? क्योंकि इन्हीं दोनों में मेरी एक्सपर्टीज है, सो इन्हीं दोनों में मैं आपके करियर को बूस्ट करने वाला हूँ। किस तरीके से, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मेरा एम क्या है इस चीज़ को समझ लो आप लोग, क्योंकि डेफिनेटली हर कोई ना कोई काम करता है तो उसका कुछ एम होता है। तो मेरा एम ये है कि अगर ऐसे लोग जो कि चाहते हैं यार मैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर एक ऑफिस के अंदर बैठ के अच्छी लाइफस्टाइल को बिल्ड करूं और एक अच्छे तरीके से जॉब पाऊं जिससे कि मैं अपनी पूरी फैमिली को मैनेज कर सकूं, अपने करियर को मैनेज कर सकूं, और आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो आइए। और मैं आपसे ये भी आशा करूँगा कि आप भी अपने ट्रस्ट को प्रूव करिए कि यस सर, अगर आपने मतलब आप पे हमने ट्रस्ट किया तो आप भी हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा हम पे ट्रस्टफुल पर्सन चाहिए, ज़्यादा नहीं सिर्फ 15 लोग चाहिए जिनको हम ट्रेनिंग करा के ऊपर लेके जाने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें एग्जैक्टली हम लोग BIM में एग्जैक्टली ट्रेनिंग किस किस चीज़ के लेने वाले हैं। तो हम लोग इसमें सीखने वाले हैं ऑटोकैड, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट MMP, नेविसवर्क, स्केचअप, 3D स्मैश, टेक्ला, और उसके साथ बीम के सारे कॉन्सेप्ट मतलब AI क्या है, मतलब LOD क्या है, मतलब 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D क्या है, ये सब डीप में सीखेंगे। बिल्डिंग बाय लॉ क्या होता है, रेरा के रूल्स क्या होते हैं। कई लोग सोचेंगे सर मैंने तो रेविट सीखा है, ऑटोकैड तो सीखा है, भाई भूल जाओ उस रेविट को, उस ऑटोकैड को, क्योंकि ये जो रेविट है, ये जो ऑटोकैड है, ये डिफरेंट रहेगा। ये सब कुछ एज पर इंडस्ट्री नॉर्म्स रहेगा। मींस इस पूरे सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल का एम ही है कि आपको बीम के अंदर एक अच्छी जॉब दिला सकूं। और साथ ही साथ इसमें गाइस आपको मींस मेरा जो टारगेट रहेगा आपके लिए वो क्या रहेगा, क्योंकि देखो हर कोई कुछ भी कर सकता है ये तो पक्का है। अगर एक इंसान एक करोड़ रुपए मंथली कमा सकता है तो आप भी कमा सकते हो, ये तो फिक्स है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे होती है कि हम सोच ही नहीं पाते कि किस तरीके से कमाना है। मींस अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, मेरी जरूरत ही नहीं है आपको। लेकिन मेंटर क्या करता है, मेंटर आपको हेल्प करता है, आपको गाइड करता है, आपकी शक्ति को जगाता है, ठीक है। महाभारत में आपने देखा था अर्जुन किस तरीके से जागे थे, किसी ने उनको सजेस्ट किया था, ऑफकोर्स भगवान श्री कृष्ण ने किया था, तो उनको बूस्ट किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया आप सबके सामने रिजल्ट है। हनुमान जी ने क्या किया था आपके सामने, मुझे बहुत अच्छे की लाइन याद आ रही है कि जामवंत ने जब हनुमान को बोला कि कहो रे चुपति सुन हनुमाना, काचु प्रसाद रहे बलवाना, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। वैसे लेक्चर नहीं है, बस आपको मन किया तो यह सुना दिया। मतलब कि जब उन्होंने बताया कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है कि आपको लंका तक जाना है, या मैं कहानी नहीं सुना रहा, जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि अगर एक मेंटोर आपको सही मिल जाए, ठीक है, आपको लगता है कि मैं सही हूँ, आपको लगता है कोई और सही है, कोई भी एक मेंटोर अगर आपके सामने पूरी ऑनेस्टी के साथ आ जाता है, बिलीव करो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही मेरा प्रयास है कि ट्राई टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। उसके साथ ही साथ मेरा मेन फोकस क्या है कि अगर मैं 100 लोगों को ले लूँगा तो मैं हर एक बच्चे पर फोकस नहीं कर पाऊँगा कि यहाँ पर क्या अमित क्या कर रहे हैं, यहाँ पर तिवारी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सादीप क्या कर रहे हैं, अलग अलग लोग क्या कर रहे हैं हमको समझ नहीं आएगा। बट यहाँ पर सिर्फ 15 लोगों को लेने वाला हूँ, जिससे कि 15 के 15 लोगों पे मेरा फुल टारगेट रहेगा। 4 मंथ्स प्रॉपर उनको ट्रेन करेंगे, कोशिश करेंगे उसके पहले ही वो प्लेस हो जाएं, और अगर उसके बाद भी होते हैं तो भी वो इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि मतलब कहीं भी जाएंगे इंटरव्यू सेलेक्शन तो हो ही जाएगा।
नेक्स्ट है ब्रदर, इसमें हम लोग आपको इंटरव्यू कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे, मीन्स मॉक इंटरव्यू करवाऊंगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच पांच मॉक इंटरव्यू करवाऊंगा, जिसमें आपका टेक्निकल राउंड लूंगा, एचआर राउंड लूंगा, कैड राउंड लूंगा, जिससे कि एकदम ब्रशअप हो जाएंगे आपके। यार अब तो कोई टेंशन ही नहीं है इंटरव्यू में, ट्राई टू फिनिश योर इंटरव्यू फियर्स, ऐसा कोशिश करेंगे कि आपके अंदर से इंटरव्यू का डर ही खत्म हो जाए। मतलब इंटरव्यू है ना, चलो ठीक है दे देंगे, क्यों? क्योंकि आप एकदम तैयार रहोगे, ठीक है। ये बीम के लिए, वैसे स्ट्रक्चर्स के लिए भी सेम है, और पीपीटी स्ट्रक्चर्स की भी दिखाऊंगा, बट दोनों के लिए प्रोसेस सेम है। और इसके बाद गाइस आप लोगों को कोशिश करूंगा, कोशिश नहीं बेहतर कोशिश करूंगा कि वी विल गाइड यू बेस्ट कंपनी, जहां जहां पे ओपनिंग चल रही है वो वहां पे कैसे अप्लाई करना है, कैसे पोर्टफोलियो बनाना है, कैसे रिज्यूम बनाना है, कंप्लीट सपोर्ट करूंगा। वहां का टेलीफोनिक राउंड आएगा तो वहां पे कैसे आपको रिप्लाई देना है, इंटरव्यू कैसे रिप्लाई देना है, एक एक बच्चे को पकड़ूंगा उसके हाथ को और उसको पहुंचाऊंगा वहां तक, कंपनी तक। ये मेरा अपना प्रॉमिस है आपके साथ। क्या करने वाले हैं अब अपने देसी स्टाइल में आपको समझाता हूँ कि क्या करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल में, किस तरीके से इतने कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूँ। तो इसमें सबसे बड़ा रीज़न है कि डेली आपको टास्क दूंगा, डेली सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। डेली अगर आपको मैंने कुछ असाइनमेंट्स दिया तो दूसरे दिन आपको सबमिट करना पड़ेगा, तभी दूसरा से असाइनमेंट्स मिलेगा, नहीं तो आप वहीं पे स्टॉप रह जाओगे और आके लोग बढ़ जाएंगे, तो आपको करके ही आना पड़ेगा। डेली वीडियो दूंगा उनको, ये सारा जो सीरीज रहेगा इस बीम का पूरा सीरीज हमारे पास ऑलरेडी है, आप सबको पता है यूनिसिविल ऐप पर। तो वो पूरा सीरीज में से आपको क्लासेस असाइन होंगी कि आज ये वीडियो लेक्चर्स वॉच करने हैं, वीडियो वन, वीडियो टू, उसके बेस पे आपको टास्क दूंगा, कल उसके बेस पे जो टास्क दिया रहूंगा उसको चेक करूंगा, फिर वीडियो थ्री, वीडियो फोर दूंगा, फिर उसका टास्क आप कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो। इस तरीके से आपको डेली बेसिस पे आपका हमारे साथ इंटरेक्शन होगा, वो भी एक नहीं डेढ़ घंटे तक। तो इससे आपके धीरे 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 एक ऐसा इन्वायरमेंट बन जाएगा, एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा जिसमें दिन भर हम इसी से रिलेटेड टॉक करेंगे, मीन्स हम मीन्स 15 के 15 लोग वही बातें करेंगे कि हमने ये किया। तो इससे अपने आप एक ऐसा इन्वायरमेंट बनेगा जो आपको बूस्ट करना स्टार्ट कर देगा। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग मजबूत करने के लिए आपको पीडीएफ देंगे, कैसा पीडीएफ, कैसे कि आप लोगों ने कॉलेज में कुछ चीज़ें कम पढ़ी है, जैसे कि एसएफडी है, बीएमडी है, डिफ्लेक्शन है, मोमेंट है, कम पढ़ी है, इन सब का सारा शॉर्ट नोट्स हमारे पास है, आईएएस कोर्स के सारे शॉर्ट नोट्स हैं। तो ये सब मैं आपको दूंगा कि आज आपको ये टास्क के साथ ये पढ़ना है, सो दैट कि नेक्स्ट जो मॉक इंटरव्यू होगा उसमें मैं वो आपसे पूछूंगा। सबको आज मैंने आपको दे दिया आईएएस 875 पार्ट 3 के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, तो नेक्स्ट जब मॉक इंटरव्यू होगा तो उसमें क्वेश्चन पूछूंगा उससे रिलेटेड कि विंड में, अगर विंड, क्योंकि आपको विंड पढ़ा आपने, तो विंड में कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, तो वही पता पाएगा जो इस चीज़ को पढ़ा रहेगा, और उसको मार्क्स भी दिया जाएगा, फीडबैक भी दिया जाएगा। वीकली आपका मॉक इंटरव्यू होगा जैसे मैंने आपको बता दिया, लाइव कैट टेस्ट होगा, मीन्स हम आपको कैट की ड्राइंग्स देंगे, कैट मीन्स स्टैट की भी हो सकती है, टैब्स की भी, ऑटो कैट की भी आपको, और रैबिट की भी, अलग अलग सॉफ्टवेयर की, कैट का आपको टेस्ट दिया जाएगा, उसको एक टाइम पीरियड के अंदर सबमिट करना रहेगा। सो उससे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी, जब आप बेटर करने लगोगे तो आपको लाइव प्रोजेक्ट्स दूंगा, जिस दिन लगेगा नहीं यार अब ये बंदा जो है ना ये हाई लेवल पे आ चुका है, तो उसको लाइव इंटरव्यू, लाइव अपने खुद के प्रोजेक्ट शेयर करूंगा, और उसके बाद अगर वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है तो उसके रिज्यूम में भी लिखवाऊंगा, और फिर वो सारी चीज़ें आपके पोर्टफोलियो में भी ऐड करवाऊंगा। सारे सॉफ्टवेयर हमारी तरफ से आपको मिलेंगे, और उसके बाद उनके वीडियोस भी हम ही देंगे, मीन्स सारा वीडियो लेक्चर्स देंगे, सारा सॉफ्टवेयर देंगे, सिर्फ आपको जितना टास्क दिया जाएगा वही कंप्लीट करना आपका टारगेट रहेगा, और जो पीडीएफ दिया जाएगा वही पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं बहुत एक साथ ही दे दूंगा, सब कुछ सिलेबस वाइज होगा, सो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 4 मंथ्स का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दूंगा, ISO सर्टिफाइड, जिससे कि आप कंपनी में जाके ये मत बोलो कि मैं फ्रेशर्स हूँ। ये स्ट्रक्चर्स के लिए बता रहा हूँ, बीम के लिए बता रहा हूँ, दोनों के लिए प्रॉपर आपको एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दूंगा, जिससे कि फ्रेशर का टैग खत्म हो जाएगा, जो लोग साइट पर काम कर रहे थे अब उनके पास ये हो जाएगा कि हमने इंटर्नशिप किया हुआ है, ठीक है गाइस। होप आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, मैंने प्रॉपर पीपीटीस बनाई है इसकी, और उसके बाद अब डेफिनेटली आपके तरफ से इतना तो रिस्पांस चाहिए मुझे। और इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है गाइस, मीन्स क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, सबसे पहला चीज़ तो लैपटॉप होना चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो इस ट्रेनिंग को मत ज्वाइन करना, क्योंकि उसका 1% वैल्यू ऐड नहीं होगा आपके लाइफ में, सो वो कंपल्सरी है। और 80% अटेंडेंस अगर आप नहीं दे सकते हो तो इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी 80% के नीचे अटेंडेंस देगा उसको, उसकी हमारी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि मेरा मानना है कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, और जो कंसिस्टेंट नहीं रह सकता वो कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकता है। सो मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है।
हाँ बिफोर मीन्स ये फी के बारे में कि फी भी ज़्यादा इसमें कुछ नहीं रखा हमने, फी रखा हुआ है जो जॉबलेस है, जो फ्रेशर्स है उनकी फी है 20,000 और जो लोग एक्सपीरियंस है उनकी फोई फी है 40,000। वो भी कैसे करना है कि 20,000 का हाफ अभी पे करना है और हाफ का आपको चेक देना है और वो चेक हम तब आपसे मीन्स उसका हम पैसे तब लेंगे आपसे जब आपकी जॉब लग जाएगी उसके 2 महीने के बाद। और ये जो पहला हाफ है ये कैसे पे करना है, मेरे इसी नंबर पे गूगल पे फोन पे और पेटीएम सारे कुछ है, यूनिक से भी लिख के आएगा या फिर आकाश पांडे लिख के आएगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे फी पे करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, अदरवाइज मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके मेरे क्या बोलते हैं अकाउंट नंबर भी आप ले सकते हो। ट्रेनिंग टोटल 4 मंथ चलेगी, इंटरनेट के बिना मत करना क्योंकि इंटरनेट बहुत कंपलसरी रहेगा क्योंकि इंटरनेट से ही आप डेली मेरे से इंटरेक्ट करोगे। और उसके बाद एक बैच में 15 से 16 बच्चे नहीं होंगे और 15 से 14 भी नहीं होंगे, एकदम एक्यूरेट 15 बच्चे होंगे जिससे कि हम सब पे फोकस कर सकें। और आपको आपके लिए गाइडलाइन रहेगा कि आपको इंस्ट्रक्शन सारे फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज हमारी तरफ से हेल्प आपको नहीं मिलेगी। जो हम इंस्ट्रक्शंस देंगे, जो हम असाइनमेंट्स देंगे वो आपको करना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो उसे पैसे दिया हूँ तो अपने जेब में वो पैसे रखना पड़ेगा आपको, ठीक है बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलेगा अगर आप मेरे जो भी मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा अगर उसको कंप्लीट करके नहीं आएंगे तो। आ जाओ बनते हैं, ठीक है मैंने मेरे दिल की आवाज़ मैंने लिखी थी यहाँ पे, आ जाओ बनाते हैं कारवा सिविल इंजीनियरिंग में, करो अपने माँ बाप के सपनों का साकार, जितना जल्दी हो सके अपनी बुक सीट को बुक कर लो। और यहाँ पर मैंने दिया हुआ है अपना व्हाट्सएप नंबर, कोई भी अभी भी डाउट है तो मुझे कॉन्टेक्ट कर लो। बी माने तो खुश हो गए कि चलो मेरे बारे में तो सर ने बता दिया। स्ट्रक्चर्स का क्या है, तो स्ट्रक्चर्स का भी सेम है, आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स के बारे में बता देता हूँ। तो स्ट्रक्चर्स में भी लगभग सारी चीज़ें सेम है, स्ट्रक्चर्स में भी वैसे ही हम लोग ट्रेनिंग देने वाले हैं आप लोगों को, वो सेम टू सेम मीन्स हमारा जो एम है बीम के लिए भी सेम है और स्ट्रक्चर्स के लिए भी सेम है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेबस चेंज हो जाएगा। क्या रहेगा सिलेबस में, ऑटोकैड वैसे ही रहेगा, स्टेट प्रो आपको ट्रेन किया जाएगा, RCDC ट्रेन किया जाएगा, समेशन ड्राइंग वगैरह सब कुछ सिखाया जाएगा कैसे आप लोग को देना होता है, ETF सिखाया जाएगा, सेफ सिखाया जाएगा, मैनुअल डिजाइनिंग सिखाया जाएगा, एक्सेल डिजाइनिंग, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर सिखाया जाएगा और ऑल स्ट्रक्चर्स कॉन्सेप्ट मीन्स विंड एनालिसिस, SVK एनालिसिस, शियर वॉल, सभी कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पर टीच किए जाएंगे, मीन्स ऑल एंड एवरीथिंग, मीन्स आपको पूरी तरीके से स्ट्रक्चर इंजीनियर बना दिया जाएगा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से अगर आप हमारे साथ सही तरीके से बहुत ही डिसिप्लिन के साथ आते हैं तो। देखो सबसे अच्छी चीज़ क्या है यहाँ पर गाइस, जो मुझे अच्छी लगती है कि अगर आप डेली हमारे असाइनमेंट्स को कंप्लीट करोगे तो आपके अंदर एक हैबिट आ जाएगी कि डेली मुझे कंप्लीट करना है, डेली मुझे पढ़ना है, और उस हैबिट से आपके अंदर जनरेट हो जाएगा ये पहला पॉइंट, ट्राई टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस आने के बाद तो फिर यार क्या है मीन्स दुनिया में क्या है, ठीक है अभी परेशान होना कि मेरे 15,000 की जॉब नहीं लग रही, 20,000 की जॉब नहीं लग रही है, कॉन्फिडेंस जगा लो, 70,000, 80,000, 90,000 भी पा सकते हो अगर अच्छा कॉन्फिडेंस आपके पास है तो। अब बोलोगे सर अच्छा कॉन्फिडेंस तो है मेरे पास फिर भी तो नहीं मिल रहा, आप कैसी बात कर रहे हो, कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से, कॉन्फिडेंस बॉडीज इन एयर एयर से, ठीक बॉडीज आता है लड़ने वाला कॉन्फिडेंस, ठीक है यहाँ पर जब आप नॉलेज ऐड करोगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा और जिसके पास कॉन्फिडेंस उसकी है दुनिया। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, होप आपको समझ आया होगा कि सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल में कैसे आना है, कैसे एडमिशन लेना है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप कर लेना है, रिज्यूम आप व्हाट्सएप पे मुझे भेज दीजिएगा, उसके बाद फिर आप गूगल पे फोन पे कुछ भी आप यूज कर सकते हैं उस पे करके स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। और उसके बाद जो आगे का कुछ भी रहेगा मीन्स इसमें हम लोग एक प्रॉपर एक अलग से प्राइवेट नंबर आपको असाइन होगा। देखो यहाँ पर मेरे पास 2 मोबाइल है तो इसमें से ये तो मेरा पर्सनल मोबाइल है, इससे सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल का काम होगा। आपका एक अलग से ग्रुप रहेगा, अलग से व्हाट्सएप रहेगा, वो सब मैं आपको बाद में शेयर करूंगा। तो उसके माध्यम से हमारी ट्रेनिंग चलेगी और डेफिनेटली इस ट्रेनिंग में हम इंडिया में सबसे बेहतरीन करने वाले हैं ऐसा मैंने सोचा है। जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही और बेहतर हो सकता है। कुछ भी सजेशन लगता है तो नीचे कमेंट करना, प्लस ये मेरा इनिशिएटिव कैसा लगता है यार इसको भी बताना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद क्योंकि मैं बहुत दिल से कर रहा हूं तो शायद इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन होने वाला है, बहुत ही ज्यादा। चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।